ये हमारे सुपर स्पेशल बिस्किट है, यहाँ पे लाइव बेकिंग होती है। ये बादाम बिस्किट है, सुपर स्पेशल बादाम बिस्किट। ये पाव वाला बॉक्स है 340 का। बादाम के अलावा ये बेसन खटाई है, ये भी पाव वाला बॉक्स है, सेम प्राइस है 340। ये भी लाइव बेकिंग होती है यहाँ पे। अच्छा, ये 345 के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं लाहौरी फूडी का चैनल। यार आज मैं गया तो था हाइटी बफे करने, लेकिन कजाफी स्टेडियम जो था इन्होंने सब तरफ से बंद किया हुआ था रास्ता, जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच सका। तो मैं आ चुका हूं समनाबाद, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बे बेकरी। तो इसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। यार यहाँ पर बेकरी आइटम बहुत ही कमाल होती हैं, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें पड़ी हुई हैं। यकीन करें कि आपको मज़ा आएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों लोकेशन में आपको थोड़ी सी गाइड करता चलूँ। ये रोड सीधा आ रहा है समनाबाद गोल चक्कर की तरफ, यानी कि तीसरा गोल चक्कर जो है ना, आप सीधा आएंगे यहाँ पर तो आपके लेफ्ट साइड पे आएगी ये बे बेकरी। यार मज़े की चीज़ तो ये है, ये है जी चॉकलेट फाउंटेन। और यहाँ पर इन्होंने कुछ नोटिस वगैरह जो लिखे हुए हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। मैं आ गया हूँ अब बे बेकरी के अंदर, और यहाँ पर मेरे साथ हैं इनके एक नुमाइंदे दानिश भाई। इनसे हम पूछते हैं कि कौन कौन सी बिस्किट की वैरायटी होती है और स्पेशलिटी कौन सी है, यानी एक बेकरी की ना, हर एक बेकरी की एक स्पेशलिटी होती है। ये हमारे सुपर स्पेशल बिस्किट है, यहाँ पे लाइव बेकिंग होती है। ये बादाम बिस्किट है, सुपर स्पेशल बादाम बिस्किट। ये पाव वाला बॉक्स है 340 का, यहीं पे लाइव बेकिंग होती है। इसके अलावा हम सारे यहीं पे बनते हैं, यहीं पे लाइव बेकिंग होती है। मैं देख रहा हूँ भाई इनकी जो ट्रे वगैरह हैं जी, काफ़ी फुल हो ही हुई है। इसके अलावा बादाम के अलावा ये बेसन खटाई है, ये भी पाव वाला बॉक्स है, सेम प्राइस है 340। ये भी लाइव बेकिंग होती है यहाँ पे। इसके अलावा एक कोकोनट होता है, कोकोनट ज़्यादातर सर्दियों में बनाया जाता है, इसलिए वो गर्मियों में नहीं इतना ज़्यादा बनाता है। जितनी भी पड़ी हुई है जी जी, ये ओवरऑल बादाम है। ये पैकिंग ये पाव वाला है। अच्छा, पाव की पैकिंग। ये पाव वाला है 340 का, ये हाफ के जी है। ठीक है, ये हाफ के जी है 680 का। इसी तरह ये बेसन खटाई में हाफ के जी है। ये तो सैलड पड़ा हुआ है, सैलड पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये इस साइड पर आ जाए, साइड पे आ जाए तो ये हमारी बेकरी के किंग प्रोडक्ट है क्रीम पफ। अच्छा, जो मोस्ट पॉपुलर है, ये वाली स्पेशलिटी है हमारी, सिग्नेचर प्रोडक्ट है। इसमें ये क्रीम पफ है, ये पाव वाली पैकिंग है। अच्छा, ये तो पाव वाली पैकिंग है 345। अच्छा, ये 345 के ये पाव है, क्रीम 345 के। यार देखने में तो मुझे बहुत ही लजीज लग रहे हैं, यानी कि बिल्कुल फ्रेश हैं। और इसके ऊपर जो है ना, ये चॉकलेट भी लगा कर देते हैं, चॉकलेट की टॉपिंग करके देते हैं। टॉपिंग वो फ्री में होती है। होत। यार ये तो आपने काफ़ी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे लगाए हुए हैं माशाल्लाह। तो ये डेली बेस में माशाल्लाह इसी तरह दो टाइम इस तरह होता है। अच्छा, सैलड में हमारे पास मुख्तलिफ नमकीन सैलड भी आ जाता है, उसके अलावा मीठा सैलड भी आ जाता है। नमकीन में स्पैगेटी है, शेल पास्ता है, मैक्रोनी है, कॉर्नज हैं, मीठे में एप्पल का बीज है, ड्राई फ्रूट है, ओरियो चिप है। ये थोड़ी थोड़ी डाल के दो भाई को टेस्ट करवाएं। अच्छा यार, अब मैं ट्राई करने लगा हूँ इनकी सैलड। यार सैलड तो दानिश भाई ने हमें बता दी है कि काफ़ी किस्म की है, तो अभी सबसे पहले मैं इनकी जो है ना, वो ये सैलड ट्राई करता हूँ। ये भी यार वो तो काफ़ी अच्छा ही यूनिक है। ये देखिए इन्होंने बीच में ऑलिव भी डाले हुए हैं, जो कि काफ़ी महंगे हैं। यार आपने ये सैलड इतनी ज़बरदस्त बनाई हुई है, मतलब मैंने तो दो भी फोन लिए हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है, काफ़ी फ्रेश है यार ये। चलो डेली बेस पे फ्रेश आती है। अच्छा, ये आप यानी कि डेली न्यू बनता सब, जितना डेली न्यू बनता है। अच्छा जी, तो इसके बाद एक और ट्राई कर लेते हैं। ये वाली, ये शेल वाली है, स्पैगेटी है नहीं, पास्ता है, पास्ता सैलड है। उसके बाद यार ये वाली एप्पल की सैलड है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही यार बेहतरीन किस्म की है। ये हमारे गोल रस हैं, नॉर्मल जो रस होते हैं इसी शेप में, ये गोल शेप में है। ये स्लाइस हैं, ये स्लाइस ये दोनों सेम है, 220 का एक पैकेट है।
ये हमारे ब्राउन रस हैं, शुगर फ्री रस जो होते हैं, ये 140 का एक पैकेट है। ये हमारा बान मक्खन है जो कि माशाल्लाह डेली बेस पर फ्रेश होता है। और इसके पीछे पहले से ही बना के इसमें लगा के रखा हुआ, इसलिए लगा के रखते हैं कि कस्टमर को वेट ना करना पड़े। कस्टमर आता है, स्लाइस करके, स्लाइस करके, अच्छा तीन स्लाइस किए हैं, स्लाइस करके मक्खन लगा के। ये 100 का है, 100 का तो यार काफ़ी मुनासिब है। 100 का दौड़ में आप 100 रुपीज़ में यानी इजीली नाश्ते में ले सकते हैं। जी जी, वन मक्खन हो गया इनका, ये स्पेशल चीज़ है और काफ़ी प्राइस है, लेकिन एक्सपायरी डेट भी है मेंशन है। इसके अलावा एक्सपायरी आपने हर चीज़ पे मतलब हर एक चीज़ पे एक्सपायरी मेंशन है, हर एक चीज़। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? ये हमारा जलेबी बांध है, बड़ा यूनिक है। ये भी डेली बेस पे फ्रेश होती है, ये तो राउंड शेप में होता है, इसके ऊपर तिल लगे होते हैं, शुगर होती है, और ये राउंड में ना जैम की कोटिंग की होती है। ये देखिए, अच्छा जैम की कोटिंग है, ये स्वीट बंद होता है, मीठा होता है, चाय वगैरह के साथ इजीली बंदा खा सकता है। ये जो हमारे केक हैं, ये लाइव केक यहाँ पे बेक होते हैं, लेकिन पीछे सामने किचन है, बिल्कुल साथ ही कस्टमर को रहना। 10 मिनट पहले ऑर्डर दें आपको उसी टाइम केक तैयार होकर मिल जाएगा। रेड वेलवेट है, 2.5 LB में है, 1480 का। ये मॉल्टीजर है, ये भी 2.5 LB है, ये 3 मिल्क है, जो मोस्ट रनिंग केक है हमारा 3 मिल्क। ये वाला जो ये सबसे सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो है ना ये है 3 मिल्क। ये साथ किटकैट और ये किटकैट आ जाता है, जो फैलो है, फैरो रोचर है, डेरी मिल्क। पाउंड का जो ऑलमोस्ट कम से कम प्राइस में कितने का कस्टमर को मिल सकता है ये? ये जो है कम से कम जो है ना 1480 से स्टार्ट होता है और फिर आगे आगे बढ़ता जाता है, 1680, 1880, 1980, ये ऐसा ऐसा आगे ना प्राइस बढ़ते जाते हैं। अच्छा, ये 1 pound के भी लगे इनमें? 1 pound में कोई भी नहीं है, सारे 2.5 में है। 2.5 में? 2.5 में है। हाँ जी, 2.5 में है। ये जो है हमारे नॉर्मल जो स्पेशल बिस्किट है वो है, इनमें केक रस है, साथ ये बिस्किट के पैक बना के रखे हुए हैं, और शुरू में देखा जाए तो नान खटाई पड़ी हुई है, जो बादाम खटाई होती है। हाँ जी, बादामों वाली स्पेशल। ये 1390 पर के जी है। अच्छा, बिस्किट और बिस्किट जो है वो 980 पर के जी, और ये केक रस जो है सेम प्राइस है 980। केक रस भी काफ़ी बड़े साइज के लग रहे हैं मुझे देखने में। ये चिकन पैटीज है, 100 rupees का ईच है चिकन पैटीज। इसमें चीज़ वाला भी होता है वो 110 का, इसमें चीज़ वाला भी होता है वो 110 का ईच है। इसके अलावा मोल्टन लावा आपको यहाँ से मिलेगा, मोल्टन लावा हमारे पास है, बासबूसा है जो अरेबियन स्वीट्स में होता है। ये कितने का एक है? 200 का एक है। इसके अलावा ये बासबूसा है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये सूजी से तैयार होता है। ये अरबी केक आ गया था। हाँ जी, और ये सूजी के साथ तैयार किया है? सूजी के साथ तैयार है। ठीक है, और ये नीचे मुख्तलिफ किस्म के कपकेक लगे हुए हैं, हेजलनट है, रेड वेलवेट है, लोटस है, चॉकलेट है, ओरियो है, न्यूटेला संडे वगैरह भी है, रेड वेलवेट भी है, और इसकी प्राइस 160 ईच है। प्राइस सबकी सेम है? सेम है, कोई भी फ्लेवर लेने सेम प्राइस है। इसके अलावा संडेज कप पड़े हुए हैं, इसमें न्यूटेला संडे है, 3 मिल्क संडे है, ये 260 का है, इनकी भी प्राइस सेम है। और ये जो पेस्ट्रीज है ना, 3 मिल्क पेस्ट्री, ये मोस्ट पॉपुलर पेस्ट्री है हमारी, ये 180 की ईच है। क्रीम वगैरह डालते? ये मिल्क है दोपहर। अच्छा, ये इसके ऊपर आप मिल्क वगैरह डाल? ये मिल्क ऐड हो रहा है। अच्छा। और कोई क्वालिटी में कुछ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में, आप देख सकते हैं हर लिहाज से कैसे मिल्क डाला जाए। सफाई तो यार आपकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की है, यानी कि आपका किचन भी काफ़ी साफ है। अच्छा, मिल्क के ऊपर क्रीम वगैरह डाल दें? मिल्क डालेंगे, 3 मरतबा इससे दूध पिलाया जाता है। अच्छा, दूध की यानी कि बारिश की, इस वक्त बारिश हो रही है दूध की। तो कहते हैं कि सबसे मशहूर जो पेस्ट्री है ना इनकी, वो ये वाली है 3 मिल्क पेस्ट्री, तो अभी ये ट्राई कर लेते हैं। ये तो एंड है भाई, ये इतना बेहतरीन किस्म का टेस्ट है ना इसका, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये, इसका नाम है जी 3 मिल्क पेस्ट्री। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सिर्फ 180 rupees की है। ऐसा लगता है मक्खन खा रहे हैं, बटर नहीं होता, उस तरह का टेस्ट है इसका। ये बाकर खानी है हमारी। अच्छा, ये लेकिन इसकी शेप बाकर खानी वाली नहीं है, इसलिए हमने बनाई हुई है। देखें, ये चकोर शेप में बनाई हुई है, यूनिक काम होना चाहिए थोड़ा सा, यूनिक काम है ये, इसलिए बनाई हुई है कि इजीली खाई जाती है। आपने एक नया स्टाइल किया आपने बाकरानी में, और ये कोई ऊपर शहद वगैरह लगाया हुआ क्या है? ये बेकिंग हुई है, बेकिंग है इसकी, बेकिंग है। अच्छा, ये टिक्का सैंडविच है, 180 का एक है टिक्का सैंडविच माशाल्लाह। तो ये भी आपके डेली बनते हैं? डेली बेस पर बनते हैं। और ये साथ में वही पैटीज हैं, चिकन पैटीज।
ये कोल्ड सैंडविच है, ये वाले जो है। हाँ जी, ये कोल्ड सैंडविच है, ये 160 का ही है। क्लब सैंडविच मायो वाले हैं, क्लब सैंडविच हम लाइव बनाते हैं। अच्छा, वो लाइव किचन भी है हमारा, वो वहाँ पे बनता है। ये साथ फिर वही कोल्ड सैंडविच है, और वो आगे वाले, और इधर ये चिकन शामी कबाब है। अच्छा, साथ में मुझे इकोनॉमिकल प्राइस है 50 की एक है, 50 की एक है सिर्फ 50 की। ये प्राइस तो इकोनॉमिकल प्राइस काफ़ी मुनासिब है माशाल्लाह से, यानी इतनी महंगाई में अगर कोई ये चीज़ें खाने का शौकीन हो तो वो सीधा बे बैकरी पे है। अच्छा, ये नीचे की मुझे कुछ नज़र आ रही है, ये स्प्रिंग रोल है, ब्रेड टाइप होता है, इसके अंदर चिकन की फिलिंग होती है, ये साथ वाले, और ये जो है चीज़ पेस्ट्री है, ये वाली चीज़ पेस्ट्री है, ये 140 की ईच है। इसके ऊपर ऑलिव भी है, चीज़ भी है, चिकन कटलेट्स वगैरह है, चिकन कटलेट्स है 160 का ईच है। फिर आगे वो चिकन शॉर्मा है 180 का, हाँ जी, रेडी टू ईट है चिकन शॉर्मा। फिर नीचे ओरिगैनो पेस्ट्री आ जाती है, ये चिकन ब्रेड है साथ ही, चिकन ब्रेड है। इसके अलावा स्मॉल साइज में ये हमारे स्पेशल बिस्किट लगे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसमें आपको बाकरखानी मिलेगी, टाइप ऑफ मिलेंगे, शुगर फ्री बिस्किट मिल जाते हैं, शुगर फ्री केक रस मिल जाएंगे, स्पेशल बादाम खटाई मिलेगी, मतलब कि हर एक बिस्किट का एक यूनिक टेस्ट है। और निम्को भी हमारे पास होती है, वो सामने निम्को भी लगी हुई है, सेम प्राइस है 980। यहाँ पर 200 लगे हुए इनके ड्राई जो केक है ना, वो वाले हनी केक जो है, हनी केक नहीं, ये ड्राई केक कह सकते हैं आप, ड्राई केक कह सकते हैं। ये ड्राई केक है, ये 2 पाउंड में है, नॉर्मल ड्राई केक है ये वाला, 1280 रुपये की इसकी प्राइस है 2 पाउंड में। ये हमारा स्पेशल ड्राई केक है, देख सकते हैं ड्राई फ्रूट के साथ फुल लोडेड है। और ये नहीं है कि ये खाने में इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका भी। ये 1680 रुपये का है 2 पाउंड का, और ये 1 पाउंड में है ड्राई केक, जो आपको 2 पाउंड का दिखाया उसमें ये छोटा साइज है 1 पाउंड में, और इसी तरह का 2 पाउंड स्पेशल में जो है उसमें 1 पाउंड का भी पड़ा हुआ है, ये 840 रुपये का पाउंड है। नीचे वाली साइड पे एप्पल पाई आ जाती है 100 की है, साथ ही वॉलनट है, वॉलनट पाई ये भी 100 की है। फिर आगे मफ़न है, चॉकलेट मफ़न है, वनीला मफ़न है, ये भी 100 की प्राइस है इनकी। नीचे टी केक आ जाते हैं, टी केक हैं, फ्रूट केक है, इसमें फ्रूट केक है, मार्बल है, और प्लेन केक है। ये हैं जी वॉलनट चॉकलेट रस हैं, वॉलनट चॉकलेट रस हैं, ये देखें माशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। वार्नर चॉकलेट रस 240 का है ये, 240 का ये पैक है। और ये वाले मक्खन वाले, ये बादाम है, आलमंड रस है, ये आलमंड रस हैं बादाम वाले, माशाल्लाह डेली में ये काउंटर भरा होता है, दिन में 3-4 मरतबा भरता है और खाली हो जाता है। अच्छा, और ये नीचे वाले जो है मक्खन, ये मक्खन रस है। अच्छा, ये गोल वाले, ये मक्खन रस है, हाँ जी, इनमें मक्खन भी है। अच्छा, ये कितने का पैक है? सेम है 180, ये भी 180 का है, बादाम वाला भी 180 का है। ब्रेड में आ जाए तो ये हमारे पास शुगर फ्री ब्रेड भी है, शुगर फ्री ब्रेड है, उसके बाद जो है सादा प्लेन ब्रेड छोटी है, इसमें फ्रूट ब्रेड भी है एक, ये देखिए कोकोनट वाली, कोकोनट ब्रेड जिसे कहते हैं। अच्छा यार, ये लोग ये बचपन में हम बहुत खाते थे, ये वाली खा के आज भी बचपन याद आ जाते हैं। नारियल के ऊपर ये प्लेन ब्रेड लार्ज है 180 की, 180 की है, हाँ जी। इसमें मिल्की ब्रेड लार्ज, ये भी 180 की है, मिल्की ब्रेड स्मॉल। अच्छा यार, ये ब्रेड तो काफ़ी मतलब सॉफ्ट है, यानी कि बिल्कुल ये देखें हाथ में ऐसे लग रहा है जैसे आपने ना बिल्कुल वो कोई हलवा वगैरह को पकड़ा हुआ है, सॉफ्ट माशाल्लाह, बिल्कुल ही फ्रेश है। ये मिल्की है, मिल्की ब्रेड। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? 180। इसी में ये छोटी मिल्की ब्रेड है, ये भी देख लें सॉफ्ट, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको दिखाया है कि इनका बेकरी सेक्शन वो कैसा है, मतलब कौन सी वैरायटी के बिस्किट हैं, इसके अलावा इनकी जो फ्रेश आइटम होती है ब्रेड वगैरह, और इसके साथ इनके जो पेस्ट्री आइटम हैं केक वगैरह वो दिखाएँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे साथ सामने जो ये रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज़र, इसमें कौन कौन सी वैरायटी पड़ी हुई है। तो यार, ये बे बेकरी का सबसे पहले तो ये लोगो आ गया इनका फ्रिज पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ फ्रेश क्रीम केक पड़े हुए हैं 2 पाउंड वाले, जिसकी प्राइस लिखी हुई है 1280 रुपये, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पर केक वगैरह मौजूद हैं इस तरह के, ये 1 पाउंड का, ये वाला ये 1 पाउंड का है, ये 640 रुपीज़ का है, और इसके अलावा कुछ क्रीम केक हैं, कुछ ये देखें इस तरह के केक पड़े हुए हैं इनके। तो यार, इनके पास जो केक की वैरायटी है ना, वो काफ़ी अच्छी है, मतलब डिफरेंट इसमें वैरायटी है इनके पास,
ब्लैक फॉरेस्ट भी है, उसके बाद इनके पास ये चॉकलेट में भी है, उसके बाद ब्राउनी में भी है, एक ये ब्लैक फॉरेस्ट में है 2 pound का 1280 का, इसके अलावा क्रीम केक है इनके पास। और स्पेशल मुझे यार एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है ना, जो मुझे अच्छी लगी है वो एक चीज़ वो ये वाली लगी है यार, ये वाला केक जो है ना वो सबसे दिलकश है, यानी कि देखने में बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। ये इनका जो है ना वो जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग नहीं हुई होती वेजिटेबल की कटी हुई, वैसी है ये क्रीम केक है, चिकन केक, ये चिकन केक है यार। और ऊपर इन्होंने जो है ना मायो और क्रीम वगैरह वो उसकी मतलब ऐड किया हुआ है टॉपिंग में, तो चिकन केक जो है मैंने तो वो फर्स्ट टाइम ही देखा किसी बेकरी पे। अच्छा इसकी प्राइस क्या है ये वाले की? 640 से, ये भी 640 का मिलेगा। अच्छा आप क्रीम केक लेते हैं दोस्त या चॉकलेट केक तो प्राइस जो है वो सेम ही रहेगी। बाकी यार मैंने आपको इतनी अच्छी यार बेकरी जो है न्यू एडिशन है पाकिस्तान बगैर लाहौर की बेकरी में, मैंने आपको इतनी अच्छी एक बेकरी जो है वो दिखाई है। नेक्स्ट यहाँ पे पोर्शन हमारे पास जो आ जाता है ना वो है इस फ्रीज़र में चॉकलेट, ओ ज़बरदस्त यार सुभान अल्लाह, चॉकलेट पेस्ट्री मेरी फेवरेट है आप सबको पता है, तो चॉकलेट पेस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास ये ब्राउनी है ये वाली, ठीक है। अच्छा ये आपने एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन, ये भी 100 की मिलेगी? अच्छा ये भी 100 की है। उसके साथ जो है ये चॉकलेट वाली क्रीम ये पेस्ट्री है, पाइन एप्पल ये ब्लैक फॉरेस्ट है और उसके साथ पाइन एप्पल पेस्ट्री है, और साथ में आ जाता है लेमन मार्ट और साथ में आता है चॉकलेट टार्ट। यार ये चॉकलेट टार्ट क्या होता है ये चीज़? अच्छा ये फ्रेश क्रीम चॉकलेट डाली जाती है इसके अंदर जो फिलिंग की हुई आपने, और ये ब्राउनी आ गई। एक ये ब्राउनी जो है ना वो पहले मैं ट्राई करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद ट्राई करूँगा तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना कि यार ये चीज़ वाकई अच्छी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। यार ये बॉक्स में क्या पड़ा हुआ? लब्बे सीढ़ी आधा किलो, ये वो जो शीरकुरमा टाइप कोई चीज़ लब्बे सीढ़ी, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अच्छा खोया वगैरह भी डाला जाता है इसमें, दूध का बना हुआ है। अच्छा दूध और कस्टर्ड को मिक्स करके सवैयाँ डाली गई हैं इसके अंदर कलर वाली जो। अच्छा अच्छा यार ये 200 आ गई है पेस्ट्री, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी 100 rupees की, ठीक है। ये पाइन एप्पल पेस्ट्री है तो अभी मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेस्ट तो यार काफ़ी बेहतरीन है, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट है। बाकी यार आपको देखकर भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इनकी प्रोडक्ट ना काफ़ी मतलब फ्रेश हैं, तो मैंने अभी ये खा के ट्राई की है। लो जनाब ये आ चुकी है अब ब्राउनी चॉकलेट वाली पेस्ट्री, ठीक है, तो अभी इसको ट्राई करने की बारी आ चुकी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, यार मैं आपको दिखाऊं कि इसकी जो फिलिंग है ना वो बहुत ही कमाल है, यानी कि इसमें चॉकलेट चिप वो भी ऐड की हुई है, दूसरा जो ऊपर से इन्होंने इसकी जो चॉकलेट के साथ गार्निश की हुई है ना वो बहुत अच्छी है। मान गए यार कम प्राइस में, वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि 100 rupees में आपको ये पेस्ट्री मिलेगी और इसका मज़ा जो है ना वो एक्सीलेंट। अच्छा गाइस ये बे फूड आप देख रहे हो ना, ये बे फूड जो है ना ये इनका एक्चुअली में लाइव जो है ना वो किचन है, ठीक है, यहाँ पर ये पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो भी अवेलेबल है। अच्छा यार लाइव जो इनका है ना बेकिंग सेक्शन, उसमें सबसे पहले जो है ना इनके पास आ जाता है पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्राइस बहुत ही कम है, यानी कि 390 rupees सिर्फ प्राइस है पिज़्ज़े की, स्मॉल की रेगुलर मीडियम 700 का, तो प्राइस के हिसाब से ना मुझे तो काफ़ी इकोनॉमिकल लगा। उसके बाद इनके आ जाते हैं यहाँ पर बर्गर वगैरह, बाकी आप यार ये देख सकते हो इनका मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है इनका पिज़्ज़ा का मेन्यू, ठीक है। अच्छा ये चाइनीज़ वगैरह ये भी आपके पास अवेलेबल, सूप हॉट एंड सॉल्ट, अच्छा उसके बाद ये हनी विंग्स भी हैं, चिकन चीज बॉल भी हैं आपके पास, और इसके अलावा ये बिरयानी, ठीक है, एग फ्राइड। अच्छा ये सारा टेक अवे ये वैसे की है जगह? अच्छा यहाँ पर वो बस टेंपरेरी।
अच्छा, यहाँ पर इनके पास कुशीनी भी मौजूद है और बाकी आप टेक अवे वो करवा सकते हो। यहाँ पर इनका जो है ना मेन कोर्स है स्पेशल वाहू चिकन है 690 का, चिकन कैश्यू नट है 690 का, इसके अलावा चिकन शाशलिक है। तो यार ये वैरायटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, एक एक करके तो मैं पढ़ नहीं सकता, आपको सिर्फ मेन्यू दिखा देता हूँ इनका। ये देखो ये सारी वैरायटी है, सब डिशेज अवेलेबल है। अच्छा ये सारा कुछ यार अवेलेबल है, मज़े की तो ये बात है। अब यहाँ पर इनका किचन है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको विजिट करवाते हैं। चलो जो है ना वो डो बनाई जा रही है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि जैसे एक ऑर्डर आता है यानी डो बना कर रेडी करके रख दी जाती है, इस तरह उसके बाद जैसे ऑर्डर आता है तो आप उसी टाइम पर शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये भाई एक कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ना कुछ चाइनीज खाने वो बनाए जा रहे हैं, यानी कि ये क्या चीज़ है ये लेमन टार्ट वाटर जो आपने देखा ना बिस्किट के अंदर सही बनी है वही है। तो यहाँ पर जो है फ्राइड राइस और इस तरह से अभी काम स्टार्ट होने वाला है, पूरी तरह से अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। यहाँ पर सोसेज वगैरह रखे हुए हैं, दही वगैरह में यखनी से निकाल के रखा हुआ ये फेंकना है। अच्छा ये यखनी बनाई हुई आपने, तो ये ब्राइडर इसमें से ये यखनी में से जो है इन्होंने ये चिकन निकाल के यहाँ पे डाल दिया। और यखनी यार इसका जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी ठीक है। और ये आप इधर बना रहे हैं रिंगर बर्गर वगैरह। अच्छा ये रिंगर है, अच्छा ये 250 का रिंगर है आपका, ठीक है। उसके अलावा कौन सा बर्गर होता है आपके पास दानिश भाई? सिंगल बर्गर होता है, इसके अलावा हमारे पास सैंडविचेज होते हैं, टिक्का सैंडविच है, कोर्ड सैंडविच है। अच्छा पैटी वगैरह भी होता है, पैटी बर्गर। अच्छा ये आपने सैंडविच के लिए ब्रेड जो है वो कटिंग की हुई है, ये वही नहीं प्लेन ब्रेड जो वहाँ पड़ी थी, ये सैंडविच ब्रेड। अच्छा ये सैंडविच ब्रेड है, साइज इसका पड़ा है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये पिज़्ज़ा जो है वो तैयार किया जा रहा है, तो ये कौन सा मीडियम है? मीडियम, ठीक है। सबसे पहले तो ये आ गया इसमें चिली सॉस, सॉस आ गया सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर ये सब इसका जो है ना उसमें पड़ा हुआ लवाजमा, प्याज आ गए कटे हुए, और ये चिकन के क्यूब आ गए इसके अंदर, चिकन टिक्का जो है। तो यार चिकन की टॉपिंग जो है ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा की है, यानी कि इतनी कम प्राइस में ये 700 वाला है, 700 भी यार इतनी टॉपिंग मैंने ऐसे बहुत ही कम देखी है। और ऊपर से ये आ गई है जी कैप्सिकम आ गया, और उसके बाद जो है भाई असल चीज़ होती है ये चीज़, तो चीज़ जो है इन्होंने पहले से थोड़ा छोटी कटिंग किया हुआ, क्रश किया हुआ यानी कि चीज़ को, ऊपर जो है वो चीज़ की एक लेयर आ जाएगी। अब ब्लैक ओलिव जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, और आपको पता है लोग ये कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि महंगे होते हैं काफ़ी, तो ब्लैक ओलिव आ गए ऊपर टॉपिंग पे। अच्छा पिज़्ज़ा की डो जो आपने बनाई हुई थी वो पैन में बाद में लगाते हैं जब ऑर्डर आता है आपको, ठीक है। अच्छा ये सॉसेज है, ये देखिए ये वाले, उसके बाद भाई इसके ऊपर इसको रख दिया जाता है बड़ी सी पिज़्ज़ा की मशीन। कितने मिनट में लगाएंगे आप इसको? 7 मिनट में, 7 मिनट में ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तब तक जो है हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको सैंडविच जो है वो तैयार किया जा रहा है, चिकन सैंडविच, इसके ऊपर जो है टिक्का सैंडविच है, आप इन्होंने चीज़ ऐड कर दी है, और इसके अंदर भी ब्लैक ऑलिव जो है ऐड किया है। इसी का प्राइस है दोस्तों 340, ये 340 का यार चिकन सैंडविच है, जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी ही रीज़नेबल प्राइस है। इसको आप जो है वो बंद किया जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ पर ट्रीट देंगे सैंडविच मेकर इस तरह से। अच्छा ये आपने मायो रियल मायो, अच्छा। और उसके बाद ये वाला जो है बारबेक्यू सॉस है, बारबेक्यू सॉस, और ये वाला ये सीक्रेट सॉस है। ये आ गए हैं जी इनके बॉक्स, बे बेकरी के नाम बेश मार्केट में इसमें पैक किया जाता है। क्या नाम है भाई का? अच्छा आकाश भाई, कितना अर्सा हो गया यहाँ पर काम करते हुए आपका? तीन माह, यानी जब से स्टार्ट हुई है आप बेकरी यहाँ पड़ी हैं, तो मतलब कितना मतलब आप ये सेल वगैरह कर देते हैं, बर्गर वगैरह क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है इनकी? सब कुछ ही बेभाव कोई भी चीज़ कम नहीं। सबसे मज़े की चीज़ वो मुझे बता दें आप, मज़े की चीज़ कौन सी वो बता दें? सैंडविच अच्छा है कि हर चीज़ में स्पेशलिटी है, ठीक है ना, ग्रिल सैंडविच है, गुलाब सैंडविच है, जिंगर बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हर चीज़ है वो स्पेशल है।
बिल्कुल फ्रेश बनाते हो आप? बिल्कुल फ्रेश ही आपके सामने। अच्छा भाई, ये सैंडविच जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। वाह यार माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा यार, इसकी लुक आप देखो। ये सैंडविच जो है ना वो देखकर आपके मुंह में पानी आ चुका होगा। इसमें जो है वो चिकन रोस्ट वगैरह बनाया जाता है, यानी फिंगर के पीस जो है वो इसी में आप बना। अच्छा, रोस्ट के पीस जो है ना वो स्टीमर में तैयार किए जाते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। तो पिज़्ज़ा यार हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, ये निकल आया पिज़्ज़ा। तो भाई ने ये पिज़्ज़ा जो है निकाल लिया ओवन से, बेहतरीन है यार, ज़बरदस्त है। इस पर हल्का सा जो है वो ये ऑलिव ऑयल लगा दिया जाता है, और इसके बाद इसके जो क्यूब कटिंग कर दिए जाएंगे पीसीज इसके। ये 700 का है राइट? बेहतरीन है यार चिकन पिज़्ज़ा। ये देखो आपको इसमें चीज़ नज़र आ रही होगी, और इसके साथ स्पेशल चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है ना वो ये चिकन है। चिकन की टॉपिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा और ब्लैक ऑलिव इस्तेमाल किए गए। अच्छा, ब्रोस्ट के लिए जो है ना ये लोग स्टीमर यूज़ करते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन पर जो है ना वो काम किया जाता है। यहाँ पर ये चेक करो, ये ब्रोस्ट जो है वो पीसीज आ गए हैं। अब इसका ऑयल और ड्राई होने के लिए इन्होंने अभी रखा है इसको। ये ब्रोस्ट के पीसीज हैं, आप देख सकते हो। एप्पल पाई जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैं अब ये एप्पल पाई वो ट्राई करने लगा। बेहतरीन है यार, इतनी सॉफ्ट है ना ये एप्पल पाई कि जैसे आप बाइट लेते हो ना तो आपके मुंह में जैसे मेल्ट हो जाती है। तो यार ये एप्पल पाई जो है ना इसकी प्राइस वो आपको सिर्फ मिलेगी 100 रुपीज़ की, जो कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो बाकी आपको लोकेशन गाइड कर दूं कि समनाबाद में इनकी एक ही ब्रांच है बे बेकरी की, यहाँ पर कभी गुजर रहे हों या कभी आएँ तो रिकमेंड करता हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाहिर अब मैं ट्राई कर लेता हूँ इनके बिस्किट वगैरह। ये इनके बिस्किट हैं, और ये सबसे मशहूर इनकी है वो दामू वाली नान हताई, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी है। और ये हताई कितनी किलो है ये वाली? 1390। ये 1390 रुपये किलो है, और बिस्किट इनके 980 रुपये किलो, 980 रुपये किलो बिस्किट हैं। 1390 की जो ये किलो है ना ये इनकी है हताई बादामों वाली। तो अब ये मैं टेस्ट कर लेता हूँ, यार साइज़ में तो काफ़ी बड़ी लग रही है, देखने में अच्छी भी लग रही है। हंसता है, यानी कि थोड़ी सी गर्म, मतलब इसमें ना थोड़ी सी हीट जैसे गर्माइश होती है ना, बिल्कुल हंसता और फ्रेश है। ये बादाम आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद यार ये इनका जो फिंगर बिस्किट है, फिंगर बिस्किट वो ट्राई कर लेते हैं। बाकी यार आपने जो वीडियो को ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो बिल्कुल करना है, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोग देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।